हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल एरर के बारे में। दोस्तों, अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट हो या अभी आपने एक्सेल सीखना भी शुरू किया है तो भी आपको एक्सेल के इन एरर्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, जिसकी मदद से आप एरर देख कर ही आप बता सकते हो कि आपके फॉर्मूले में कहाँ पर गलत हुआ है या आपके एक्सेल में कौन सी गलती आई। आपको सिर्फ एरर देख कर ही पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे फॉर्मूले में ये गलत वहाँ पर हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, एक्सेल में 5 तरह के एरर होते हैं। सबसे पहला एरर यहाँ पर है नेम। नेम एरर हमारा तब शो करता है जब हमने वहाँ पर फॉर्मूला नाम ही गलत लिखा है, मतलब फॉर्मूला नाम कुछ और हो, आपने लिखा कुछ और हो, मतलब गलती से अगर आपने फॉर्मूला नाम वहाँ पर गलत लिख दिया है तो वहाँ पर नेम एरर शो करता है। जैसे मान लीजिए सम नाम का फॉर्मूला होता है SUM, हम वहाँ पर अगर SIM लिख दें, SAN लिख, मतलब वो नाम जो एक्सेल में उस नाम का भी फॉर्मूला है ही नहीं, तब वहाँ पर हमें नेम एरर शो करता है। जैसे यहाँ पर इक्वल साइन, यहाँ पर लिखते हैं SIM, फिर ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद इन सारी वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद कर देना है और एंटर। तो अभी आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नेम एरर शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने दिया है वो फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा है, सिम, बल्कि जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला नाम सम होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर SUM, जैसे आप यहाँ पर यू लिखोगे और एंटर करोगे तो यहाँ पर वैल्यू दिखाना सही कर देगा, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नेम एरर हमारी तभी आती है जब अगर आपने वहाँ पर फॉर्मूला नाम गलत दिया। फिर आते हैं दूसरी एरर। दूसरी एरर यहाँ पर क्या है, वैल्यू। वैल्यू एरर तब आती है जब आपने किसी टेक्स्ट को भी ऐड कर लियो, मतलब जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, ये नंबर है, ये नंबर है, और यहाँ पर ये नाम लिखा है रघु। अब मान लीजिए अगर हम कुछ वैल्यू को प्लस कर रहे हैं या माइनस भी कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी आप करो, और वहाँ पर बीच में टेक्स्ट आ जाता है तो वहाँ पर वैल्यू एरर आती। इक्वल साइन सेलेक्ट किया, प्लस का साइन फिर सेलेक्ट किया, फिर प्लस, तो यहाँ पर 3 वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली, पर इनमें से आए तो ये दोनों को हमारी वैल्यू है, पर ये हमारा क्या है, टेक्स्ट है, कोई वैल्यू तो हमारी है नहीं। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू एरर शो करता है। तो वैल्यू एरर हमारी तब आती है जब आपने नंबर्स के साथ कोई टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर लिया तो भी वहाँ पर वैल्यू एरर शो करती है। इसको सही करने के लिए आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको ना लगा कर आप सम फॉर्मूला लगा सकते हैं, SUM, ब्रैकेट लगाते हैं और इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद और एंटर। जब भी यहाँ पर कोई इस तरह का डेटा हो और आपको नंबर्स को प्लस करना है तो वहाँ पर आप प्लस साइन की जगह वहाँ पर आप सम फार्मूला भी लगा सकते हैं, इससे वो एरर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो सम फार्मूला होता है वो ऑटोमेटिक जो वहाँ पर टेक्स्ट लिखा होता है, मतलब नाम लिखा होता है, अल्फ़ाबेट लिखा हो, उसको वहाँ से इग्नोर कर देता है, जो नंबर होते हैं उनको ऐड कर लेता है। तो इसीलिए यहाँ पर सम फार्मूला आप लगा सकते हैं और वो एरर वहाँ से सही हो जाएगी। फिर आते हैं उसके बाद वाली एरर। उसके बाद जो एरर यहाँ पर है रेफरेंस। रेफरेंस एरर कब आती है, जब आपने कोई नंबर को प्लस किया हो, माइनस, डिवाइड, मतलब कुछ भी अगर आपने वहाँ पर किया है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, अब वो नंबर क्या, वो सेल क्या, कॉलम आपने डिलीट कर दिया, मतलब वो कॉलम या तो डिलीट कर दिया हो या सेल आपने डिलीट कर दिया, तो वहाँ पर रेफरेंस एरर आती। जैसे यहाँ पर आते हैं इक्वल साइन, प्लस प्लस फिर प्लस, और यहाँ पर एक वैल्यू और है, हम इसको भी यहाँ से इसका सेल एड्रेस यहाँ पर इसको भी यहाँ से देखें एक बार, देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखा है, 90 लिखा है, इसका सेल साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं जिससे सारी वैल्यू उसी में आ जाए। फिर यहाँ पर आते हैं इक्वल साइन सेलेक्ट कर लेते हैं पहली वैल्यू, प्लस प्लस, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 90 भी हमें दिखाई दे रहा, प्लस का साइन लगाते हैं और 90 भी यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जब भी अगर इस तरह में भी प्रॉब्लम आए कि मान लीजिए आपको ने जो वैल्यू वहाँ पर लिखी नहीं दिखाई दे रही, तो आपको ऊपर जाना है और यहाँ से सेल साइज आपको बढ़ा लेना है, फिर यहाँ पर आते हैं एंटर कर देते हैं। अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो आंसर हमारा एकदम सही आ रहा है, 270 यहाँ पर आंसर आ रहा है। पर अगर ये कॉलम अगर हम डिलीट कर दें, यहाँ पर आते हैं एच पर आपको आना है, इस तरह एरो यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस बटन प्रेस कर देना है। जैसे आप कंट्रोल माइनस यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर रेफरेंस एरर आता है, क्योंकि इसका जो रेफरेंस था, अगर आप कॉलम देखें तो कॉलम तो यहाँ पर एच आ गया, पर जो वैल्यू यहाँ पे थी वो वैल्यू तो यहाँ पे है नहीं, वो वैल्यू तो उस कॉलम, वो तो हमारी हट गई, तो इसीलिए यहाँ पर रेफरेंस एरर आता है। तो जब भी आपको ये एरर दिखे, मतलब वो कॉलम वहाँ से डिलीट हो गया, तभी आपको रेफरेंस एरर शो होगी, नहीं तो वो एरर वहाँ पर नहीं दिखाई देगी। फिर आते हैं उसके बाद वाली एरर, डिव एरर। ये एरर हमारी तब आती है जब आपने किसी नंबर को डिवाइड किया, जैसे यहाँ पर
72 को अगर हम 36 से डिवाइड करें तो यहाँ पर आंसर 2 आएगा। अभी तो हमारा एकदम सही आएगा, जैसे अगर हम यहाँ पर आए इक्वल साइन 72 डिवाइड 36 और इंटर करते हैं तो यहाँ पर 2 आंसर आ जाते हैं। पर जो वैल्यू है वो वैल्यू ही अगर हम यहाँ से डिलीट कर दें, जैसे यहाँ 36 लिखा है इसको अगर हम हटा दें तो यहाँ पर डिव एरर आती। ये एरर दो तरह से आती, या तो वो वैल्यू आपने हटा दिया हो या आपने वहाँ पर 0 लिख दिया हो, तब आपको डिव एरर वहाँ पर शो होती। तो जब भी आपको ये एरर दिखे मतलब वहाँ से जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है वो वैल्यू डिलीट हो गई है, या वहाँ पर किसी ने 0 लिख दिया है, या हमने ही गलती से 0 लिख दिया, तो वहाँ पर डिव एरर शो होती। फिर आते हैं लास्ट एरर। लास्ट एरर यहाँ पर कौन सी है, हैश हैश। ये एक्सेल की सबसे कॉमन एरर है जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को भी मिलती। ये एरर तब शो होती जब मान लीजिए वहाँ पर सेल साइज कम हो और कंटेंट साइज ज़्यादा हो। जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं एक नंबर हमारा लिखा है, ये नंबर है तो अभी तो हमारा सेल में आसानी से फिट आ रहा, मतलब सेल में एडजस्ट हो गया, फिट हो गया। पर मान लीजिए ये सेल साइज को अगर हम यहाँ से कम कर दें, अब अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सेस आ रहा। तो ये एरर हमारी क्यों आ रही, क्योंकि जो वहाँ पर टेक्स्ट नंबर लिखा है वो कंटेंट हमारा ज़्यादा है और सेल का साइज कम है, इसीलिए वो एरर आ रही। इसको सही करना है तो आपको खाली यहाँ पर आना है और यहाँ पर इसको बढ़ा देना है। जैसे आप यहाँ से कॉलम साइज यहाँ पे बढ़ाओगे या सेल साइज आप बोल लो उसको आप बढ़ाओगे तो ये एरर यहाँ से सही हो जाती है। तो यही 5 एरर होती है। नेम एरर सबसे पहले देख लें, जब आपने फॉर्मूला नाम गलत दिया होगा तब नेम एरर शो करता है। वैल्यू अगर आपने नंबर के साथ टेक्स्ट ऐड कर लिया होगा तो वहाँ पर वैल्यू एरर शो करता है। रिफरेंस एरर अगर आप जिस नंबर को प्लस कर रहे हो, माइनस करो या डिवाइड करो, वो कॉलम ही अगर आपने डिलीट कर दिया तो वहाँ पर रिफरेंस एरर शो होता है। डिव एरर किसी नंबर को 0 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो या वो नंबर आपने डिलीट कर दिया तो वहाँ पर डिव एरर शो होती। फिर यहाँ पर हैश हैश ये एरर तब आती है जब वहाँ पर कंटेंट साइज ज़्यादा हो, मतलब जो टेक्स्ट है या नंबर है जो भी वहाँ पर लिखा है वो उसका साइज ज़्यादा है और सेल का साइज कम है, तो वहाँ पर हैश हैश एरर आती। दोस्तों अगर आपके मन में एक्सेल एरर से लेकर कोई भी सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपने हमारे एक्सेल के पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो उन्हें भी जरूर देख लें। और इसी तरह हम एक्सेल पे और भी अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।